आदत सी पड़ गई है कि महिंद्रा या टाटा की किसी भी गाड़ी का उठाकर क्रैश टेस्ट कर लोगे तो वो अच्छा ही स्कोर करेगी, कम से कम 4 स्टार्स तो कहीं नहीं गए। फिर हम चाहे बात करें अल्ट्रोज की या फिर नेक्सॉन की, XUV300 की, मराडजो की, या फिर महिंद्रा थार की, या फिर टियागो की, या टेगोर की, हर किसी गाड़ी ने मिनिमम 4 स्टार्स स्कोर करे हैं और बेस्ट स्कोरिंग भी टाटा की गाड़ी पंच के नाम पर ही है। तो भाई, जो इंडियन कंपनीज हैं काफ़ी अच्छा कर रही हैं सेफ्टी के मामले में। महिंद्रा ने अभी हाल ही में XUV700 को लॉन्च करा था, उस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया है। हम लोगों को पहले से उम्मीद थी कि ये इतना ही स्कोर करेगी और उतना ही स्कोर इसने किया है। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 out of 5 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 out of 5 स्टार्स। ये बेहतरीन टेस्ट रेटिंग XUV700 ने स्कोर करके अपनी डिमांड में और 4 चांद लगा दिए। पहले से ही ये गाड़ी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि महिंद्रा वाले फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और इस क्रैश टेस्ट के बाद तो बॉस एप्पल की तरफ बिकेगी। अब बात आती है कि जो रेटिंग्स हैं, स्टार रेटिंग्स हैं, वो तो ठीक है, लेकिन स्टार रेटिंग्स के अंदर स्कोर कितना करा है एग्जैक्ट, तो वो स्कोर अभी भी सबसे ज़्यादा करने वाली टाटा पंच ही है। XUV700 ने 5 स्टार रेटिंग तो स्कोर की है, लेकिन पॉइंट्स की बात करेंगे तो वो पंच से थोड़ा पीछे है। कितना पीछे है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं बस एक जनरल कंपैरिजन कर रहा हूँ, इस कंपैरिजन से कोई और मतलब गलत मतलब आप लोग निकाल लेना। 700 का आप बात करें तो इसमें एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए इसने 16.03 पॉइंट्स स्कोर करे हैं आउट ऑफ 17, जबकि पंच ने 16.45 पॉइंट्स स्कोर करे थे आउट ऑफ 17। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है। चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के मामले में 700 ज़्यादा सेफ है, उसने ज़्यादा स्कोर करा है, 41.66 पॉइंट्स स्कोर करे हैं आउट ऑफ 49, जबकि पंच ने 40.89 स्कोर करे थे आउट ऑफ 49। पंच के पहले सबसे ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर करने का जो खिताब था वो था XUV300 के पास, जिसने 16.42 पॉइंट्स स्कोर करे थे आउट ऑफ 17, मतलब कि 700 ने 300 से कम स्कोर किया है अगर हम डीप में जाके बात करें तो। चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के मामले में 300 ने स्कोर कम करा है 700 से, मतलब कि 700 पंच और XUV300 दोनों से ही चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के मामले में ज़्यादा सेफ है, लेकिन एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के मामले में बहुत मामूली सा अंतर है। तो भाई, बधाई हो उन सारे 65,000 लोगों को जिन्होंने XUV700 को बुक करके ब्लॉकबस्टर हिट बना दिया, और उन लोगों को जिनको इसकी डिलीवरी मिल चुकी है और जनवरी तक 14,000 कस्टमर्स को मिलने वाली है, और सबसे आखिर में महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स को कि उन्होंने इतनी शानदार गाड़ी बनाई लगभग हर किसी मामले में और उसने ग्लोबल NCAP टेस्ट रेटिंग में खुद को प्रूफ भी कर दिया है। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।